भारत ने याद दिलाई ब्रिटेन को उसकी औकात। ब्रिटेन की गृह सचिव को भारत के खिलाफ बोलना पड़ा महंगा। अपनी कुर्सी के साथ साथ पीएम को भी ले डूबी ब्रिटेन की गृह सचिव। भारत के तगड़े एक्शन से सहमा ब्रिटेन। दोस्तों, अपने गृह सचिव के बयान के बाद ब्रिटेन की पीएम लीज ट्रस्ट को भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ गया है। हालांकि पीएम लीज ट्रस्ट के इस्तीफे से पहले भी वो लगातार भारत सरकार को यह सफाई देता फिर रहा था कि यह उनका व्यक्तिगत बयान था, यह ब्रिटेन की सरकार का आधिकारिक बयान नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि आज वो पीएम है लेकिन कल को कोई दूसरा बनेगा तो भारत के साथ रिश्ते खराब जरूर होंगे। दोस्तों, जहां वर्तमान में भारत और ब्रिटेन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात चल रही थी, उसके बाद ब्रिटेन की गृह सचिव ब्रेवरमैन के बयान के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच सारी बात बिगड़ चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन की गृह सचिव के पद पर आसीन ब्रेवरमैन ने हाल ही में भारतीयों को लेकर यह बयान दिया था कि भारतीय वीजा नॉर्म्स का सबसे ज्यादा उल्लंघन करते हैं। वे वीजा खत्म होने के बाद भी ब्रिटेन में रहते हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि ब्रिटेन भारतीयों को सबसे ज्यादा वीजा देता है लेकिन तब भी भारतीय ब्रिटेन के कानूनों का पालन नहीं करते और यहाँ के वीजा नॉर्म्स का उल्लंघन करते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ब्रिटेन की इस पूर्व गृह सचिव ने भारत के लोगों पर नस्लीय टिप्पणी भी करी थी और यह भी कहा था कि हम लोग जो यूरोप से एग्जिट हुए हैं, यानी कि हमने जो ब्रेक्जिट अपनाया है वह इसलिए नहीं अपनाया था कि हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सके, हम खुद अपनी मर्जी से फैसला लेना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने यहां तक कहा था कि अगस्त महीने में जो हिंदू मुस्लिमों के बीच ब्रिटेन के शहरों में दंगे हुए हैं उसमें ज़्यादातर हाथ भारतीय हिंदुओं का है। और दोस्तों, इसके बाद तो भारतीय हिंदुओं के साथ साथ पूरी भारत सरकार ब्रिटेन पर बरस पड़ी। अब दोस्तों, ब्रिटेन की गृह सचिव ब्रेवरमैन के इस बयान के आने के बाद भारत सरकार ने ब्रिटेन को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि भारत ने वीजा नॉर्म्स को लेकर काफी सख्ती करी है और ब्रिटेन के द्वारा लगाया गया आरोप सरासर बेबुनियाद है। दोस्तों, इसके अलावा ब्रेवरमैन ने भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी भी करी थी, जिसके बाद दोस्तों हालत यहां तक हो गई कि भारत सरकार काफी बुरी तरह से ब्रिटेन से इस समय नाराज चल रही है। चाहे लीज ट्रस्ट ने इस्तीफा दे दिया हो लेकिन आने वाले पीएम को भी इस नाराजगी का सामना जरूर करना पड़ेगा और पीएम मोदी का जो संभावित दौरा था ब्रिटेन का, जहां पर ब्रिटेन उम्मीद जता रहा था कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, वे सारी बातें कैंसिल हो चुकी है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके बाद तो ब्रिटेन की एक के बाद एक समस्या शुरू हो गई। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील ने, जिसका ब्रिटेन में अपना बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसने ब्रिटेन सरकार को धमकी दी कि निवेश के समय ब्रिटेन सरकार ने जो सब्सिडी का वादा किया था उसे नहीं निभाया और टाटा को 1.5 मिलियन पाउंड नहीं दिए तो टाटा अपना ये प्लांट बंद कर देगा। और दोस्तों, भारत सरकार ने तो ब्रिटेन को धमकी दे ही दी थी कि अगर ब्रिटेन में पिछले साल पीएम मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच जो मीटिंग हुई थी, जिसके तहत भारत 550 मिलियन यूरो का ब्रिटेन में निवेश करेगा, जिसके कारण ब्रिटेन में हजारों नौकरियां उत्पन्न होगी, ऐसे में ब्रिटेन के साथ भारत इस डील को खत्म कर सकता है। और दोस्तों, बात रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, ब्रिटेन इस वक्त एक तो आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऊपर से दोस्तों ब्रिटेन के अंदर अब लीज ट्रस्ट ने इस्तीफा दे दिया है। चुनाव जीतने के बाद सबसे कम प्रधानमंत्री रहने वाली लीज ट्रस्ट अपना रिकॉर्ड बना चुकी है, जिसकी वजह से आर्थिक संकट से गुजर रहा ब्रिटेन क्या कॉरपोरेट सेक्टर को सब्सिडी देगा, वह बहुत ही नामुमकिन होता दिख रहा है। हालांकि दोस्तों, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस्ट ने भारत को मनाने के लिए तमाम चीजों को सही करने की कोशिश की है और उन मंत्रियों को भी बर्खास्त कर दिया जो भारत के खिलाफ फालतू बयानबाजी और दुष्प्रचार कर रहे थे। दोस्तों, जैसे ही यह खबर ब्रिटेन की गृह सचिव को पता चली तो उन्होंने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन की गृह सचिव ब्रेवरमैन है, वह खुद भारतीय मूल की है, उनकी मां तमिल समुदाय से संबंध रखती है, लेकिन दोस्तों भारत के खिलाफ उनके द्वारा की गई बयानबाजी
उनके पूरे करियर पर भारी पड़ गई और केवल 43 दिन का करियर ही उनकी पूरी जिंदगी का राजनीति करियर बनकर रह गया। हालांकि दोस्तों जैसे ही यह खबर उन्हें पता चलेगी उनकी प्रधानमंत्री उनसे इस्तीफा मांगने वाली है और उससे पहले भी उन्होंने भारत की तारीफ करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने आप को भारतीय मूल का एहसास कराते हुए कहा कि मुझे आज भी अपने गांव और आज भी भारत की याद आती है। भारतीय लोगों को देख मुझे अपना गांव कस्बा याद आ जाता है। हमें भारत के साथ बिल्कुल एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय लोग बहुत कम वीजा नॉर्म्स को तोड़ते हैं। मतलब दोस्तों ये समझ लीजिए कि जो रायता उन्होंने अभी तक फैलाया था उस सब को समेटने की कोशिश कर रही है ब्रिटेन की गृह सचिव। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने शुरुआत में भी जब ब्रिटेन की गृह सचिव का बयान आया था तभी इतना खतरनाक एक्शन भारत ने लेने की ठान ली थी कि उसको सोच सोच कर ही ब्रिटेन की पीएम अंदर से हिल गई थी कि कैसे मंत्रियों को उन्होंने अपने कैबिनेट में रख लिया है। दोस्तों भारत के मुद्दे से ब्रिटेन की हालत यह हो गई है कि ब्रिटेन की पीएम की कुर्सी तक चली गई है और अब ऋषि सुनक के पीएम बनने की चर्चा जोरों पर है। इसके लिए दोस्तों जाने से पहले लीज ट्रस्ट ने भारत सरकार और भारत के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनसे खूब माफी मांगी है। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बीते एक महीनों में जिस तरह एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच के बाद हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा एक हिंदू मंदिर पर अटैक किया गया और उस मंदिर पर चढ़कर वहां से उस मंदिर का ध्वज भी निकाल लिया, हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा है। और दोस्तों वर्तमान पीएम लीज ट्रस इस मुद्दे को लेकर काफी सुस्त दिख रही थी। लेकिन दोस्तों अब ब्रिटिश हिंदुओं ने ब्रिटेन के पीएम को याद दिलाते हुए एक चिट्ठी लिखी है। दोस्तों ब्रिटिश हिंदुओं के 180 संगठनों ने ब्रिटेन सरकार की ढीली कार्रवाई को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार को सीधा एक चिट्ठी भेजी है जिसमें उन्होंने कहा कि यहां पर हिंदू लोग अल्पसंख्यक है और इस्लाम के धर्म के लोग अधिक है और ब्रिटेन की सरकार जो मंदिरों पर हमले हुए थे उस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों जब हिंदुओं पर ब्रिटेन में हमला हुआ तब भारत सरकार ने बकायदा ब्रिटेन सरकार को चेतावनी दी थी कि जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाया जाए और भारतीय हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाए, जिसके बाद दोस्तों पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 27 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई और अभी भी हिंदुओं को वहां पर धमकाया जा रहा है। अब दोस्तों इन्हीं सब कारणों को देखते हुए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस एक तो ब्रिटेन में रहने वाले सभी हिंदुओं से माफी मांग रही है और दूसरा भारत सरकार को भी यह आश्वासन दे रही है कि यहां हिंदुओं की सुरक्षा हमारी गारंटी है। और दोस्तों इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के लोग ना होते तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन जो है वह कब तक का तबाह हो जाता, क्योंकि इस भारतीय समुदाय जिसकी आबादी ब्रिटेन में लगभग 1.5 मिलियन के करीब है उस समुदाय के ज्यादातर लोग ब्रिटेन के हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं और ज्यादातर काफी उच्च पद पर डॉक्टर भी है जिन्होंने कोविड काल में ब्रिटेन के हेल्थ डिपार्टमेंट को संभाले रखा। अब दोस्तों वर्तमान में यह बात ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस जानती है कि जिस तरह ब्रिटेन में रह रहे भारतीय हिंदुओं के बीच उनकी शाख कम हो रही है, जिस तरह से वे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आंतरिक दबाव को सहन नहीं कर पा रही है उसको देखते हुए ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय हिंदू भी और खुद उनकी पार्टी के कई नेता भी ये चाह रहे हैं कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया जाए। और दोस्तों अगर यह हो गया तो भारत और ब्रिटेन के संबंध एक नई ऊंचाई पर होंगे। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।